तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में 91 टीमों के 580 खिलाड़ी लेंगे भाग। खबर गुड़ा मालानी से, जहां ग्राम पंचायत बांटा के राजस्व गांव ढींबड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्रामवासियों के तत्वावधान में तीन दिवसीय प्राथमिक विद्यालय 11 वर्षीय ब्लॉक स्तरीय छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, अध्यक्षता राणा सुरेंद्र सिंह राठौड़, विशेष अतिथि सीबीओ ओम प्रकाश कड़वासरा, एडवोकेट सुनीता चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि नाथाराम चारण, पूर्व सरपंच हेमाराम सियाग, सरपंच शिवनारायण सियाग, पूर्व सरपंच कुमाराम बेरड़, मगराज माचरा, खुमान सिंह नैण, उमाराम जाखड़, मोहनलाल सियोल, आरपी मदन सिंह व नरपत परमार, PEEO नारणाराम कलवी, शंभुदान बारठ, खेमाराम नागल, पटवारी नरसिंहराम कलवी, उप सरपंच उकाराम कलवी, पूर्व सरपंच हीर सिंह सोलंकी, SMC अध्यक्ष मूल सिंह चौहान, लिखमाराम कलवी, श्रवण कुमार, दिनेश पटेल, किशन सियोल, पुरखाराम नैण, धर्माराम चारण आदि सहित बांटा ढींबड़ी के ग्रामीण एवं निर्णायक कार्य सेवार्थ व दल प्रभारी एवं टीमों के खिलाड़ी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। आयोजन सचिव तारा चौधरी ने प्रतियोगिता का परिचय प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि गुड़ामालानी ब्लॉक की 31 ग्राम पंचायतों की टीम में छात्र वर्ग में 54 व छात्रा वर्ग में 37 टीम सहित छात्र छात्रा वर्ग की कुल 91 टीमों के 580 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, लंबी कूद, रिले रेस, 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़ आदि खेल प्रतियोगिताएं होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें, खेलों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यार्थियों को खेलों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन करने की बात कही। राणा सुरेंद्र सिंह राठौड़, सरपंच प्रतिनिधि नाथाराम चारण, CBO ओम प्रकाश कड़वासरा आदि सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। मंच संचालन हेमाराम जाट व भूमाराम सियोल ने किया। आयोजित प्रतियोगिता के प्रथम दिन भोजन की व्यवस्था लुम्बानी राजपुरोहित परिवार ढींबड़ी द्वारा की गई। वहीं स्मृति चिन्ह, बैग, पारितोषिक, ट्रॉफी, साफा व स्वागत सामग्री की व्यवस्था ढींबड़ी ग्रामवासियों की तरफ से की गई। चाय कॉफी व्यवस्था चौगाणी राजपुरोहित परिवार, विद्यालय रंगरोगन की व्यवस्था डायाराम व दौलाराम कलबी ने की। टेंट व्यवस्था भेर सिंह व केशाराम राजपुरोहित द्वारा की गई। पानी की व्यवस्था शंकराराम कलबी, विद्यालय में टेबल, अलमारी व टीम जर्सी की व्यवस्था उकाराम कलबी द्वारा की गई। लाइव प्रसारण के गोमाराम सियोल, फोटोग्राफी के ओम प्रकाश खोत, संस्था प्रदान कुर्सी मूल सिंह चौहान, ध्वज पोल व वॉलीबॉल पोल की व्यवस्था कृष्ण कुमार कलबी द्वारा की गई। गुड़ामालानी से गणेश शैन की कवरेज। छोटा छोटा 11 सालों का उम्र बच्चा बच्ची इन प्रतियोगिता में भाग ले रहा हो तो हमारी तरफ वो शुभकामना है, लेकिन जाहिर है आप सब लोग जीत आया हो, लेकिन सब तो जीत नहीं सको, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी चीज ले लो, एक हारे और एक जीते। तो आप लोगों ने भी गुमाइश कहना चाहूं कि पूरा जोश रहे आते खेलकूद में भाग लो, और जो जीते उन्होंने बहुत बहुत बधाई, और जो कामयाब नहीं हो सके उन्होंने हमारी तरफ को बहुत बहुत प्रोत्साहन। चुनाव 1980 में लड़ा, उस समय मैं गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र का के लिए बिल्कुल नया आदमी था। इस गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी नहीं जानता था, उनका रास्ता भी नहीं जानता था, लोगों को भी नहीं जानता था, पर फिर भी आप लोगों ने बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी मेरी योग्यता के आप लोगों ने 80 में मुझे मौका दिया। 48 साल तक आप लोगों के बीच मेरा समय समय की बात है, वो साहब कह रहे थे ये समय की बात है, समय तो मरता क्या, बड़ा समय बड़ा बदलवा बाकी गोपिया वही अरुगन वही मान
अर्जुन और अर्जुन का बाण तो वही था लेकिन काम नहीं आया, ये तो समय की बात है।